राजधानी रांची के न्यू एजी कोऑपरेटिव कॉलोनी में पीपल के पेड़ को काटना महंगा पड़ गया। अब ये मामला राष्ट्रपति तक पहुंच गया है। शिकायतकर्ता की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ ही झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी शिकायत भेजी गई। स्थानीय निवासी अमितेश कुमार सिंह ने इस बाबत वन विभाग को भी लिखित शिकायत दी है। शिकायत के बाद तीन आरोपियों की इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई। हालांकि नामजद तीन आरोपी बिल्डर आनंदा दास, बिल्डर अशुगिरी और सह बिल्डर रावल सिन्हा फरार हैं। आपको बता दें कि न्यू एजी कोऑपरेटिव कॉलोनी स्थित समृद्धि नामक बहुमंजिली भवन का निर्माण कराया जा रहा है। इस भवन के पास ही पीपल का वृक्ष है जिसे काट दिया गया है। हालांकि इसका कुछ हिस्सा अभी भी बाकी है। शिकायतकर्ता की माने तो स्थानीय लोग वर्षों से इस पीपल पेड़ की पूजा करते आए हैं, लिहाजा आरोपियों के इस काम से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। देखिए, समृद्धि अपार्टमेंट के सामने पीपल का पेड़ करीब 20-22 साल पुराना है और जब से वो पीपल पेड़ है, लोग करीब हर शनिवार 500,000 लोग दिया जलाते थे और कम पीपल पेड़ होता है जटाधारी, ये जटाधारी पीपल था। अब प्लस रोड पे था, नगर निगम क्षेत्र में था, लेकिन बिल्डर पहले तो इलीगल बनाया ही, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग उसमें हस्तक्षेप नहीं किए। लेकिन जैसे जैसे बन गया, पीपल पेड़ काटना शुरू कर दिया और कई इंस्टॉलमेंट में काटा। मना करने के बावजूद भी अगर कोई और पेड़ भी रहता तो मना करते, लेकिन पीपल पेड़ सृष्टि निर्माण के समय से अगर पूजा अर्चना शुरू हुआ है तो वहीं से हुआ है और मृत्यु के बाद भी पीपल का पेड़ को ही आदमी घंट घड़ियाल के लिए करता है। इसका मतलब पीपल पेड़ में अपने अद्भुत शक्ति है। इसी शिकायत आपने कहां की? इसकी शिकायत मैंने DFO को किया था। DFO ने बड़ी कड़ी कार्रवाई की और संयोग से मुख्य अपराधी जो है वो वहां से भागने में सफल हो गया और अभी तक क्लच में नहीं आया है। लेकिन उसके बाद बात बढ़ गई, अभी उसको बचाने के लिए जो भी पेड़ है, DFO ने बोला है हम इसको बचा लेंगे, फिर से इस पर जीर्णोद्धार हो जाएगा, तो मैंने राष्ट्रपति को लिखा है। और सबसे पीछे कारण है राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को लिखने के पीछे कि इस तरह का धार्मिक छेड़छाड़ का मामला कहीं नहीं आया।